हेलो गाइज, पोको M3 डिवाइस में MIUI 13.0.1.0 वर्जन का जो अपडेट देखने के लिए मिला, उस अपडेट के बाद कोई भी अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है। सो गाइज, न्यू अपडेट आप लोग को कब तक देखने के लिए मिलेगा, बात कर लेंगे उस अपडेट के कन्फर्म डेट के बारे में। इसी के साथ में हम बात करेंगे कि इस अपडेट में आप लोग को क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिलेगा एंड आप अपडेट को कैसे इंस्टॉल करेंगे। सो अगर आप भी हैं पोको M3 डिवाइस के यूजर्स, तो यार वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करना, बिकॉज में भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो यार लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि अभी जो आपके डिवाइस में अपडेट रन कर रहा है जिसका वर्जन है MIUI 13.0.1.0 का, ये अपडेट के साथ में आप लोगों को एंड्रॉइड 12 का भी अपडेट देखने के लिए मिल गया था। उसके बाद से कोई भी अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है। सो गाइस, आपके डिवाइस में एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलने वाला है, जिस अपडेट का वर्जन में भी होगा MIUI 13.0.2.0 का। गाइस, ये अपडेट में आप लोगों को कोई भी न्यू फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन यार अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि यार आपके डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को इन्हेंस कर दिया जाएगा। इसी के साथ में आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू होगा उन्हें यहाँ पे फिक्स करने के बाद आपके डिवाइस के स्टेबिलिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। एंड गाइस, ये अपडेट का फाइल साइज आप लोगों को 400 MB से लेकर 500 MB के अंडर में ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यार ये अपडेट में कोई भी न्यू फीचर्स तो देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट होने वाला है। तो इसी वजह से आप लोग को ज़्यादा लंबा फाइल साइज देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो आप अपडेट को जो इंस्टॉल करना है वो कंटिन्यू में डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे तो आपके डिवाइस में कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि आप लोग को अपडेट कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो यार हो सकता है कि आप लोग को मिड अप्रैल तक अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। सो आप अलर्ट ट्रैक के अपडेट को चेक करते रहना, क्योंकि पहले जो अपडेट देखने के लिए मिलेगा वो पायलट यूजर्स को अपडेट देखने के लिए मिलेगा। वैसे यार पोको M3 डिवाइस में फ्यूचर में जब भी कोई न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट होगा तो यार आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे इसी चैनल पे नई वीडियो के जरिए। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यार लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस, फिलहाल में अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।